अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए चिकन टिक्का मसाला रेसिपी, जो बहुत ही लजीज होने वाली है। आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चिकन टिक्का मसाला रेसिपी को बहुत आसान करके हम बता रहे हैं, आप भी घर में बनाइए। ऊपर से गार्निशिंग की है क्रीम के साथ में, कोरिएंडर लीव्स डाले हैं और आप देख सकते हैं इतना मसालेदार और स्मोकी फ्लेवर वाला बन के तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाइए और हमें फीडबैक दीजिए कि आपका कैसा बना है। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स पे शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए हमने 500 ग्राम चिकन ले लिए है, उसको हमने ऐसे 1 इंच साइज मोटे पीसेस कर लिए। हमें चिकन पीसेस को मैरिनेट करना है, इसके लिए हमने एक बोल ले लिया है। बोल के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही ऐड कर रहे हैं हम। हमारे दही के अंदर थोड़ा पानी था इसलिए हमने इसको छन्नी में करके रख दिया था, जिससे इसका एक्सेस पानी निकल गया। ये 200 ग्राम्स पानी दही था पानी के साथ में, अब ये इतना बचा है। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड मिर्ची ऐड कर रहे हैं हम। 1 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं। आपके पास अगर टिक्का मसाला नहीं हो तो आप नॉर्मल गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, इसको ऐसे मैश करते हुए ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छे से मिक्स करेंगे सब इंग्रेडिएंट्स को। थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डालिए। एक बार फिर मिक्स करेंगे हम। अब ये मसाले को हम चिकन पीसेस डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमने सब चिकन पीसेस को बहुत अच्छे से मसाला लगा दिया है, अब हम रख देंगे इसको मैरिनेशन के लिए 1 से 2 घंटा। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में। हमने एक पैन ले लिया, पैन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1.5 ग्लास वाटर। गैस को हम ऑन कर रहे हैं, अंदर ऐड कर रहे हैं हम अनियन। 3 मीडियम साइज़ के अनियन को हमने स्लाइस कट कर लिया है। 1/4 कप काजू ऐड कर रहे हैं हम इसमें, 4 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 कश्मीरी रेड मिर्ची, 1 टेबलस्पून के जितने ये लहसुन है इसको हम ऐड कर रहे हैं, 3 से 4 हरी इलायची, 3 तेज़पत्ते, 4 से 5 काली मिरी, 6 टमाटर को हमने डाइस शेप में कट कर लिया, ये ऐड कर रहे हैं हम। कसूरी मेथी थोड़ा पानी ऐड और कर रहे हैं हम इसमें, इसको पकने देंगे 5-7 मिनट। 10 मिनट हो गए, अब गैस को बंद कर रहे हैं और ये कड़ी बे लीव्स हम निकाल रहे हैं इसमें से, और इसको ठंडा होने पे इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम यही पानी के साथ में, कुछ भी हमें फेंकना नहीं है। 2 घंटे हो गए हमारे चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब हमने स्क्यूअर्स ले लिए ये, और इसको हम के अंदर लगाएंगे। आपके पास अगर इसके इस टाइप के नहीं हो तो आप वुडन के इसमें भी लगा सकते हैं, वुडन में भी हम लगा दें।
हमने बहुत अच्छे से मैरिनेट चिकन पीसेस को हमने स्क्वेयर्स में लगा दिया है, कुछ वुडन में भी लगा दिया है। आपके पास अगर ये मेटल के नहीं हो तो आप ये वुडन के भी इसमें भी कर सकते हैं। तो मसाला बच गया है, उसको हम रख देंगे साइड पे, उसको भी हमें यूज़ में लेना है। हमने एक फ्लैट पैन ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ऑयल। सब तरफ इसको फैला देंगे हम तेल को। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है। तेल के गर्म होने पे हम ये रख देंगे। दोनों तरफ से हम चिकन को थोड़ा पकाएंगे ताकि मसाला सारा अंदर से और अच्छे से चला जाए। तो टर्न कर देंगे हम 1 मिनट के बाद में, जिससे ये साइड से यहाँ से भी पक के। गैस की फ्लेम हमने कम कर दी है ताकि आराम से लो फ्लेम पे ये चिकन हमारे चिकन पीसेस स्क्वायर में देखो बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं, हाफ पके हैं अभी। अभी हमें आगे का प्रोसीजर भी है। इसका कलर भी इतना अच्छा आ गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही करके हमें सारे चिकन पीसेस को कुक करना है। आपको हम वुडन की भी इसमें करके बताते हैं। टर्न करना है, देखिए हमारे चिकन पीसेस वुडन स्टिक में भी बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। आपके पास अगर मेटल वाले नहीं हो तो आप इस तरीके से भी चिकन टिक्का मसाला बना सकते हैं। हमारे चिकन टिक्का को हमें एक स्मोकी सा फ्लेवर देना है, इसलिए हमने एक नेट रख दी है और हम गैस को ऑन कर रहे हैं। और ये हम रख रहे हैं थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए, एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। आप हल्का सा मेल्टेड बटर भी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। हमारे चिकन टिक्का पीसेस रेडी हो गए। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेमन से, चटनी से लगाकर, मगर हमें बनाना है चिकन टिक्का मसाला, तो हम मसाले की प्रिपरेशन करते हैं। हम वुड वाले पे भी बहुत हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे इस तरीके से करके। देखिए हमारे वुडन वाले भी हो गए, हाथ से पकड़ के उठाना नहीं है इसको। देखिए हमारे वुडन वाले भी बहुत अच्छे से हो गए, इसको बहुत केयरफुली आपको रोस्ट करना है। हम टिक्का मसाला की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक पॉट ले लिया है। पॉट के अंदर हम ऐड कर रहे हैं ऑयल। ऑयल के गर्म होने पर हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज की अनियन चॉप कट,
अनियन के सॉफ्ट होने पे हम ऐड कर देंगे जो मसाला हमारा बच गया था चिकन को मैरिनेशन के बाद में। वन फोर टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे इसमें, वन टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। पकने देंगे मसाले को 5 मिनट। हमारा मसाला तेल में बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला जो हमने पीसा था, टमाटर प्याज को सबको पानी में बॉईल करके। हमें मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है कि पूरी कच्ची स्मेल निकल जाना चाहिए। 15 से 20 मिनट हमने इसको भूना है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, चलाते हुए ही भूना था हमने इसको, नहीं तो ये नीचे से मसाला इसका जल जाएगा। ऐड कर देंगे एक बोल भर के मलाई, फ्रेश क्रीम डाल के हम इसको पकने देंगे और 10 मिनट। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे टिक्का पीसेस, मिक्स करेंगे इसको। चिकन टिक्का पीसेस को बहुत अच्छे से मिला दिया है। ऐड करेंगे कसूरी मेथी, हरे धनिया के पत्ते को पकने देंगे और थोड़ी देर। और ये हमारा चिकन टिक्का मसाला तैयार हो गया है। अब गैस को हम कर देते हैं बंद। ऊपर से हम डाल रहे हैं थोड़ा सा कोथमीर। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द नूड्स किचन पे सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने हमारा चिकन टिक्का मसाले को डिश आउट कर लिया है।